सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भावना सिंह भाटी, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बहुत ठीक हूँ। मेरे साथ एक पचका हो गया था। इससे पहले मैंने एक ब्लॉग एडिट कर लिया था, सब कुछ कर लिया था, बस उसको सेव करके अपलोड करना था, और इतना बड़ा पचका हुआ कि मैंने सारी वीडियोज़ गैलरी में से डिलीट कर दी और वहाँ से सेव नहीं की थी, तो वो ब्लॉग भी डिलीट हो गया। खैर, अब वो लिखा ही नहीं था अपलोड के लिए। मैं यहाँ भर रही हूँ अपनी सूखी मांग, वो फैले नहीं। उसके लिए सबसे पहले मैंने लिक्विड वाली मांग भरी, उसके ऊपर मैंने ये सूखा सिंदूर लगाया है, और मेरे सिंदूर वो भरने वाली पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, तो फिर मैं इसी से भर रही हूँ। आप भी ये ट्राई कर सकते हो। मतलब तीनों ही कांच की जोड़ी है, और ये क्रिस्टल है ओरिजिनल, और ये भी जो ख़राब नहीं होती कांच की जोड़ी है, और मुझे कांच ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं ये वाली इसके मैचिंग में पहनी है, और ये जोड़ की ओढ़नी है जो मैंने पहनी है, और एकदम सिंपल सा लुक। अभी मैं निकलती हूँ, मुझे उसके लिए गिफ्ट लेके जाना है गुड़िया के लिए, और टाइम आपको घड़ी में दिख रहा होगा तो 6 बजने वाले हैं। मैं उसके लिए गिफ्ट लेके और फिर वहाँ जाऊँगी। मैं निकलती हूँ क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है, बंद है, ये नहीं जा सकते, तो मैं निकलती हूँ, फिर बहुत लेट हो जाएगा। और हमेशा की तरह अपना ट्राइपॉड रखना। ये प्यार 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 है तेरा और मेरा, इसको रख ले सब और मेरा, इसको रख ले संभाल के देना है। कौन ले कर मम्मी तेरा, ये बचकानी बातें गिनाते, बस भी करो अब सरा, ये मासूम चेहरा क्यों हो फुलाते, मान जाओ ये प्यार 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 है तेरा और मेरा, इसको रख ले संभाल के ये ना है एरा गेरा। जो तेरी शैतानिया है ये नादानिया है, इन्हीं से तो दिल है लगा, तेरी आदतें तो दिल को लुभाए जाने जाओ। ये प्यार 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 कहानी बातें क्यों हो गिनाते, बस भी करो अब सरा, ये मासूम चेहरा क्यों हो फुलाते, पैसो दे रहा मादा दिंदी जा लादा लादे बोनी गली दे रोहा, माता पैसो दे रहा ओ मादा
क्या नहीं है।
गई चुरा के बाबो में आके शिकन में लूटे अभी सर रूल फूल बता दियो जो थोड़ा रिमाइंड हो जावे। वहीं पे रुकी थी क्योंकि लेट हो गया था, काफी लेट हो गया था। सो सुबह उठ के आई हूँ मैं अभी, और इस ब्लॉग को मैं अभी यहीं एंड करूँगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। नवरात्रा का मैं नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी क्योंकि आज है नवरात्रा, हैप्पी नवरात्रा। सो वहाँ मुझे मिला है ये गिफ्ट, इसको मैं अभी ये अभी अनपैक करूँगी और फिर मैं नया ब्लॉग शुरू करूँगी। इस बैग ब्लॉग को मैं यहीं पर करूँगी। हमारे एक रजनी मैम थे, उनसे मैंने एक चीज़ सीखी थी, गॉर्डन मैम काफ़ी जन ज्यादा है, तो उन्होंने बोला था जब गिफ्ट रैप आप खोलो तो उसकी पैकिंग को बहुत ईजी से खोला करो, बहुत आराम से, ताकि अपन उसको रीयूज़ कर सके। क्योंकि अदरवाइज़ अगर ज़्यादा ऐसे फाड़ के ऐसे डाल देंगे तो वो कोई काम नहीं आएगा, और प्लास्टिक ज़्यादा नहीं होने चाहिए। वैसे तो आजकल पेपर वाले मैंने इस चीज़ को सीरियसली लिया है। मैंने मेरी शादी के कुछ गिफ्ट अपने पास रखे थे, उनको मैंने रीयूज़ किया है। तो मैंने उनको रीयूज़ किया है, तो रीयूज़ करना इज़ जस्ट अ नॉर्मल थिंग, क्योंकि वेस्ट चीज़ों में पैसे देना, रीयूज़ करना इज नॉट बैड थिंग। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फालतू में कहीं भी पैसा नहीं वेस्ट कर सकती। पहले कर देती थी पर अब नहीं करती, उम्र के साथ साथ में आपको इतनी समझदारी लाना बहुत ज़रूरी है। एक दो मिनट लग जाएगा, कोई अभी से इस माँ के बच्चे तो है नहीं, नहीं नहीं इसके अंदर क्या है अभी देखो, तो मैं वैसे ही नहीं हूँ, तो ठीक है मैं उसको आराम से खोल सकती हूँ। सो इंसान ऐसा ही होना चाहिए। और ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा फट गया, तो कोई इशू नहीं, ये जो पैकेट पता नहीं किसी चीज़ में वापस रैप हो सकता है। और ये देखिए बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ है। सो आप भी ट्राई कीजिए ताकि हिंदुस्तान में एटलीस्ट प्लास्टिक कम यूज़ हो। इसको मैं ऐसे कैसे समझूँ, सो ये देखिए अब इसको अपन अच्छे से, मैं इसको बाद में रखूँगी तो इसको अपन बाद में रीयूज़। सो बाहर से बहुत आवाज़ आ रही है, तो ये है वो गिफ्ट और ये बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। थैंक यू जीजा, इसको मैं ओपन भी करके देख लेती हूँ। एक बार एक चम्मच है और एक एक कप, अभी जॉइंट है बाद में निकालूंगी, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी इसके ऊपर लगा दो पर अच्छा लगा। मैं ये बैन करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको है जो ब्लॉग की जो नोटिफिकेशन हो वो मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।